जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण उमा संहिता खंड का सातवां अध्याय नरक वर्णन सुना रही हूँ। सुनिए, संत कुमार जी वेद व्यास जी से बोले, हे महर्षि, सभी पापी लोग यम लोक में पहुँच कर पाप का फल अवश्य भोगते हैं। इनमें भेद इतना है कि पुण्य आत्मा यमराज के पास उत्तर के मार्ग से पहुँचाए जाते हैं और पाप आत्मा दक्षिण मार्ग से। व्यवस्थित नगर यहाँ से 86,000 योजन दूरी पर है। धर्मात्मा लोग तो सुगम प्रकार से पहुँच जाते हैं और पापी कठिनता से पहुँचते हैं। पापियों के जाने के मार्ग में बड़े नुकूले कांटे पीछे रहते हैं। बड़ी गर्म बालू होती है और छुरियों के समान पैने कंकड़ पड़े रहते हैं। उसी मार्ग में कीचड़, ऊंची नीची जगह, लोह शंकु, सुइये, अंगारों के समान तपी पृथ्वी, बड़े बड़े डालियों वाले चुभते चुभते पांव, बड़े बड़े लंबे वन, दुखदायक अंधकार वन में लगी आग, बर्फीले मार्ग, कड़ाके की सर्दी, गंदा पानी, सिंह भेड़िए, व्याघ्र मच्छर आदि से व्याप्त बन, बड़ी बड़ी चौके, जहरीले सांप, मदमस्त हाथी, तीव्र दांतों वाले सुअर, बड़े सिंगों वाले बहस, बड़े बड़े भयानक जीव जंतु, चोर डाकिनी, भूत, बड़े बड़े शरीर वाले सभी फिरते रहते हैं, जो कि मार्ग में चिल्लाते पापियों को सताते हैं। इन्हें अपार कष्टों को झेलते झेलते पाप आत्मा प्राणी यमपुरी पहुंच जाता है। जब मार्ग में अपना मित्र भाई कोई भी नहीं मिलता, उसका रूप प्रेत का होता है। नग्न शरीर, होंठ एवं तालु सूखे हुए, पानी न मिलने के कारण अत्यंत प्यासा, ऊपर से यम दूतों के निर्दयी डंडे एवं अंकुश पड़ते हैं। पैरों में पड़े हुए पाशों से घसीटते घसीटते यमपुरी लेकर जाते हैं। वह डरता है, जलता है, भूखा है या प्यासा है, इसकी किसी को परवाह नहीं। यम दूत तो पासों में बांध कर घसीटते लिए जा रहे होते हैं। किसी को अंकुश का प्रहार करते हैं, किसी को कांटे एवं अंगारों से भरे मार्ग से खींच रहे होते हैं, किसी को जीभ एवं अंकुश चुभा देते हैं, किसी के हाथ पैर, किसी के नाक कान, किसी के होठ, किसी की लिंग इंद्रियां, किसी के अंड, इसी प्रकार किसी के अन्य अन्य अंगों को काट काट कर यातनाएं पहुंचाते जाते हैं। कठोर प्रहार मार पाकर पाप आत्मा चिल्ला उठते हैं, इधर उधर भागते हैं, देह उनका फटता जाता है, खून एवं पीव बहती जाती है। जिनको पीने के लिए बड़े बड़े दाढ़ों वाले कीड़े चिपट कर नोचते रहते हैं, भूख प्यास से व्याकुल होकर पाप आत्मा याचना करते हैं, पर सुनता कौन है। यम दूत तो अत्यंत निर्दयता के साथ घसीट कर यमपुरी ले जाते हैं। जिन पुरुषों ने कुछ दान किया है, उसके पास तो कुछ मार्ग का भोजन तथा जल रहता है, उसे खाते पीते जाते हैं। यमपुरी में बड़ी कठिनता से पहुँचाए जाते हैं। यमराज की आज्ञा से उन्हें यमदूत यमराज के सम्मुख ले जाते हैं, जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले
होते हैं उनका तो यम आदर भी करते हैं। फिर उनके पुण्यों के अनुसार विमानों में बैठाकर स्वर्ग लोक में भिजवा देते हैं। यदि उनका कुछ पाप कर्म होता है तो स्वर्ग के अंतर उन्हें पापों का भी थोड़ा फल मिलता है। यदि निरंतर पाप आत्मा होते हैं तो उन्हें भयंकर डाड़ों वाले विकराल भोवों से देखते हुए अनेक प्रकार के भयानक अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए 18 हाथों वाले भैंस पर सवार जल्दी अग्नि के समान लाल आंखें किए पहले काल की अग्नि के समान तेजस्वी इस प्रकार के भयानक रूप धारण कर यमराज दिखाई देते हैं। चित्रगुप्त का भी यही रूप दिखाई देता है। तब पापियों को यमराज फटकारते हैं। चित्रगुप्त धर्म युक्त वचन कहते हैं। 7वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 8वां अध्याय नरक वर्णन। सुनिए, चित्रगुप्त कहते हैं, पापियों तुम सदा पाप करते रहे हो, अब उसका फल भी भोगो। पाप आत्मा राजाओं से चित्रगुप्त कहते हैं, अभिमानी तुमको थोड़े समय का राज्य सुख मिला था, उसे अपना स्वर सुख मान बैठे। अपने सुख को मुख्य रह कर अन्याय पर तुल गए। पर जब विचारी को बड़े बड़े कष्ट पहुँचाते, अनुचित शासन करते रहे, अब उसका फल पाओ। उस समय उनके पाप रूप मैल को छुड़ाने के लिए धर्मराज यम दूतों को आज्ञा देते हैं, चंड एवं महाप्रचंड तुम दोनों इन पापी राजाओं को बलपूर्वक पकड़कर अग्नि कुंड में फेंक दो, जिससे कि इनके पापों का मैल जल जाए। इतना सुनते ही यमदूत राजाओं को उठाकर चारों ओर फिराकर गरम गरम भट्टियों में फेंक देते हैं और ऊपर से वज्र प्रहार करते हैं। तब उनके कानों से रुधिर टपकता है, बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब पवन चलती है तब जर्जर शरीर होते हुए भी जीवित हो जाते हैं। फिर उन्हें नरकों में पटका जाता है। वे नरक इस पृथ्वी के नीचे 7 पर्दों के भी नीचे अत्यंत अंधकार में है। वह नरक 28 कोटि हैं, जिसमें पहला घोरा कोटि, दूसरा सुखेरा कोटि, तीसरा अति घोरा, चौथा महाघोरा, पांचवा चोरा रूप, छठा तला तला, सातवा भयानका, आठवा कालरात्रि, नौवा भयोत्तरा, दसवा चंड महाचंडा, ग्यारवा चंड कोलाहला, बारवा प्रचंड, तेहरवा चंड नायिका, चौदवा पद्मा, पंद्रहवा पद्मावती, 16 भीता, 17 भीमा, 18 भीषण नायिका, 19 कराला, 20 विकराला, 21 प्रज्ञा, 22 त्रिकोण, 23 पंचकोश सुदीर्घ, 24 अखिलार्दित, 25 सम, 26 भीम सब लाभ, 27 उग्र, 28 दीप्त प्रियाय। इस प्रकार से पापात्माओं को यातना पहुंचाने के लिए 28 नरक कोटि कही गई है। यही 100 रौरव एवं 4000 महानरक कहे गए हैं। 8वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 9वां अध्याय साधारण नरक गति वर्णन। यह आप अगली वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।